ये जो आप रवैया करते हैं ना, ये ना शुक्रिया। हम कोई जापान है? हम कोई डेवलप कंट्री? और भाई हम तो गरीब मुल्क के बासी। ये रवैया तो वो लोग करेंगे जो ऑलरेडी डेवलप हो, जो सियारे पे पहुंचे हुए हो, जिन लोगों ने कोई क्रिएशंस की हो, कोई इंसानियत के लिए आसानियां पैदा की हो, कोई इंजीनियरिंग में, कोई साइंस में, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई एस्ट्रोनॉमी में कोई बड़ा काम किया हो, चलो ठीक है, फिर वो एक दो दिन लेट भी आ जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कौन सा तीर मारा हुआ? अगर हमने इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट ही नहीं की, तीसरी दुनिया के शहरी है, दुनिया के नक्शे पे सबसे गरीब मुल्क से हमारा ताल्लुक है, कर्जे ले लेकर IMF के किस पोजीशन पे हम गए हैं, बिगर्स बने हुए हैं, कोई हमारी पासपोर्ट की हैसियत नहीं है, कोई बाहर दुनिया के पासपोर्ट के लिए और वीजों के लिए कतारों में खड़े होते हैं, ख्वार होते हैं, दर दर के टोकरे खाते हैं, कोई हमारा माशी निजाम ठीक नहीं है, कोई हमारा कौन सा निजाम है जो हम ये कहे कि इसमें पाकिस्तान ने या हम लोगों ने कोई बड़ी तरक्की की हो, तब जाके ये मस्ती वाला रवैया करे ना, तब जाके फॉर ग्रांटेड ले, तब जाके चीजों को डिले करे, तब जाके रिलैक्स तन आसान हो। जब कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई बड़ी आसमान से तारे नहीं लेकर आए, और फिर ये रवैया, ईद के चौथे दिन इदारा खुला, 15% हाजिर है आप लोग, और ये ना शुक्री। फिर कुदरत तुम्हें, फिर जब चपेट तुमसे निकालती है, चीखे निकलती है तुम लोगों, फिर लड़ते हो आपस में, फिर फिरकावारियत में जाकर पंस जाते हो, सियासत में आकर पंस जाते हो, मईशत की चक्की में पंस जाते हो, गुलाम बन जाते हो, और फिर कहते हो तकदीर नहीं बदलती, फिर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हो, पाकिस्तान की वजह से अपने अमाल नहीं देख। तो भाई इस किस्म के मुल्क, इस किस्म के हालात हो, वहां पर बच्चे अपने काम को 2 घंटे पहले निपटा देते हैं, वो बड़े तेज होते हैं। ये जापान के लोगों के रवैये देखे, 1 मिनट जाया नहीं करते वो लोग, पूरे दिन का स्केड्यूल बनाते हैं, हफ्ते का स्केड्यूल, महीने का स्केड्यूल बनाते हैं। जो डेवलप्ड चाइना जाए, बड़ी मैनेजमेंट के साथ चलते, हमें ये रवैये ऐसे कूट कूट कर भरे होते, कहीं जाके हमें मना सलवा समान से आ रहे हैं कोई हम खास लोग, ऐसे रवैयों के साथ कुदरत तुम्हें फिर मारते हैं, मार पड़ती है तुम्हें, फिर वो मार तुम्हें दिखती नहीं है लेकिन होती है। ये गुर्बत की शक्ल में होती है, ये लो इंटेलेक्ट की शक्ल में होती है, ये अजीब सी शक्लें बनी होती है, हम 5-5 फुट के जर्द कलर के, हेल्थ इश्यूज की वजह से कुदरत हमें चपेट निकालती है, बारिशें नहीं बरसाती कुदरत, गर्मी जरूरत से ज्यादा हो जाती है, लोड शेडिंग की सूरत में कुदरत आपको मारती रहती है। इस वक्त 500 बच्चा पढ़ रहा है, 100 नहीं बैठे इधर, ये जो 400 बच्चे, इन लोगों ने कौन सा डेवलप काम किया? इतने बेगौर क्यों हैं हम, इतने सुस्त क्यों हैं? ये अपनी शॉर्ट टर्म गोल को एड्रेस क्यों नहीं करते तुम लोग? क्या हालत है, जंग में नहीं है? ईद से पहले जब ये आपकी छुट्टियां स्केड्यूल हो रही थी, उस वक्त कैंपस इंचार्ज ने मुझे कहा कि बजाय इसके कि बच्चों को हम 13 जुलाई पे बुलाएं, इसको मंडे को ही बुला लेते हैं। मैंने कहा क्यों, ईद का जो तीसरा दिन है वो तो 12 को ख़त्म हो रहा है, 13 को आना चाहिए। कहते बच्चे आते नहीं, बच्चे आते। मैंने कहा क्यों नहीं आते, जब ईद 3 दिन हो गई तो 4th दिन पे आना चाहिए। कहते बस नहीं आते तो क्यों स्टाफ को बुलाएं। मैंने कहा आप स्टाफ को बुलाओ, स्टूडेंट की क्लासेस भी आगे प्रोसीड करो, इस पर मैं बात करूंगा और इस बीमारी के बारे में मैं एड्रेस करूंगा। और ये मेरे पास प्रूव्ड एविडेंस है कि जो बच्चे ये रवैया रखते हैं, जो ये डिले टैक्टिक करते हैं या प्रोलॉन्ग करते हैं या तन आसान रहते हैं या थोड़े से मज़ीद छुट्टियाँ इन्जॉय करना चाहते हैं, ये सिम्टम्स हैं नाकाम स्टूडेंट्स की। ये बहुत पीछे रह जाते हैं, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको मामूली दिखती है, लेकिन ये रवैया बाय इटसेल्फ इतनी बड़ी बीमारी है कि अगर ये जड़ पकड़ ले तो बाद की जिंदगी थकाने वाली होती है, थकावट से भरी होती है। यानी कि 13 जुलाई पे इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आज 15 जुलाई है, आपकी हाजिरी मुकम्मल नहीं है, और मंडे के दिन पर सारे खड़े होंगे यहां पर 100%। तो ये 3 दिन किधर थे आप लोग? क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट किया है कि छुट्टियों के बाद भी 3 छुट्टियां ही करनी है, क्योंकि तालीमी इदारों में यही होता है सब, और ये सब के साथ ये मामला है। जिस दिन आपने इस आदत को चेंज किया, उस दिन से आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। ये वो आदत है कि ये आपकी पेंडिंग एक्टिविटीज को करेगी क्या, एग्जीक्यूट करेगी, खत्म करेगी। आप थोड़े से अलाइन रहेंगे इस मामले में, और अगर यही रवैया रहा तो होगा क्या कि फिर यही जो आपको कहा कि 100% या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या इदारे से निकल जाते हैं, या फेल हो जाते हैं, या कोई और मसले में मसरूफ हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तो ये आदत अभी से ख़त्म करें,
और अपनी शॉर्ट टर्म्स जो प्रायोरिटीज़ है उसको एड्रेस करें। देखो इससे दिखता भी यही है कि आपकी शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ जो है वो एंटरटेनिंग नहीं है, आप उनको डिले करते हैं या फिर बाद में लेकर जाते हैं, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाती है चीज़। और इसमें एक स्टडी आई है कि जो नौजवान, जो बच्चे 14 साल 12 साल और 22 के दरमियान इन सॉफ्ट स्किल्स को और इन फाउंडेशंस को, जो जिसके लिए जल्दबाजी करनी पड़ती है, जल्दी ख़त्म करना होता है, इसमें सुस्ती करें, रुकावट पैदा करें, गैर ज़रूरी डिले पैदा करें, उसके बाद मरने तक वो किरदार थका हुआ होता है, वो मरने तक वो काम कर रहा होता है, उसको कभी रिलैक्सेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये रवैया तो बड़ी मायूसकुन रवैया है, ये नहीं होना चाहिए, ये रवैया नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े किरदार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं ईद के तीसरे दिन, हमारे एक अजीज़ है, मशहर है ख़ानदान के, तो फुर्सत मिली मैं उनकी तरफ चला गया, बड़े हैं एक साथ बैठ जाते, दो तीन बातें सुन लेता इंसान, तो मैं उनके घर गया, उसे रिसीव किया, उनके साथ बैठ गया, तो मैंने उसे पूछ लिया कि बड़ा बेटा कैसा है, तो मैं उसकी चेहरे की एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था, तो वो अपने बड़े भाई के बारे में कह रहा था कि बेचारा बहुत मसरूफ़ है, अल्लाह उसको आसानी पैदा करे, दुआएं भी दी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा वो ऐसा था कि जैसे ही वॉज शोइंग हिज यू नो सिंपथी विद द एल्डर सन, और उसके लिए दुआ भी दी। तो मैं चूंकि ऑब्जर्वेशन कर रहा था, और मैंने कहा छोटा बेटा, तो उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकला कि रंग देव वृक्ष, रंग देव वृक्ष, मेरा तमाम, थोड़ा सा ख़ुद को समेट लिया, और मैंने थोड़ा तजस्सुस करके मज़ीद पूछ लिया कि दोनों बेटे हैं आपके, पहले बारे में आपका जो एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सा ऐसा था कि सिंपथेटिक था, एंड यू वर लाइक यू वर शोइंग योर एडमायरेशन टुवर्ड्स योर एल्डर सन, एंड योर रिएक्शन वर टोटली नेगेटिव अगेंस्ट योर जो आपका छोटा बेटा है। तो ये दोनों बेटे हैं, तो मैं भी समझ गया कि वालिद का या अम्मी अबू का भी अपने बच्चों में तफरीक का ये कैसे मुमकिन, कहते प्रोते बारा, कहते ऊपर बैठा हुआ। मैंने कहा करता क्या है, कहते सारा दिन अगबाजी तना थी बचे हुए खुन पुए कम अगबाजी तना थी, वो कीबोर्ड को बाजा कह रहे थे, कहते सारा दिन उसी के साथ बैठा हो, कहते सारी रात जागा रहता है, सारा दिन सोता रहता है, हर काम पेंडिंग पे डाला हुआ है, घर का कोई काम नहीं करता, बड़ा हो गया, मैं शादी का उनका प्लान कर रहा हूँ लेकिन वो कमाता ही नहीं, कमाता नहीं है, अपने तमाम काम क्या करते हैं डिले पे डालता है, और सारी रात जागा रहता है, दिन को सारा दिन सोता रहता है, सारी चीज़ें पेंडिंग है। अब ये चीज़ मैंने जज की, तो मैंने उनसे मज़ीद सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ कि ये आपका जो बेटा है जिसके बारे में तुमने बड़ी अच्छी सोच की, इसके बारे में बताओ। कहते हर काम वक़्त पे करता है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ता, डिले नहीं लाता काम, वक़्त पे सोता है, वक़्त पे जागता है, मेरी खिदमत करता है, मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आता है, कमाओ है, पैसे कमा कर घर भी देता है, और दूसरा ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा ये तफरीक, कहते बचपन से ऐसा था। तो ये जो रवैया आप लोग इंस्टीट्यूशंस में, तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह ये दिखती नहीं है कि ये कमज़ोरी है, वी हैव एक्सेप्टेड इट, कि हम समझते हैं ये नॉर्मल है, ये हरगिज़ नॉर्मल नहीं। इस वक्त ये बीमारी एक छोटी सी तुखम की सूरत में, ये बड़ी होकर ऐसी डिस्ट्रक्शन की सूरत इख्तियार कर लेती है कि फिर माँ बाप भी जो है वो एडमायर नहीं करते, कहते हैं रंग दे वृक्ष वही दादा खड़े रहा वो छोलो। वो पश्तों में हम कहते हैं ना, पश्तो जबान वाले समझते होंगे स्टॉम्स का मतलब क्या है। तो मैंने वालिदैन की आंखों में भी वो तफरीक देखा, किसको इज्जत मिल रही है, किसको एडमायरेशन मिल रही है, किसको पोजीशन मिल रही है, और किसको जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है, और किसको अकेले किया जा रहा है, और किसको कॉर्नर किया जा रहा है। तो कोशिश ये रखे कि ये जो कॉर्नर
कॉर्नर हो जाओगे और फिर सारी जिंदगी थकावट में गुजार दोगे। अगर ये फाउंडेशन इस वक्त डेवलप नहीं की, अगर इस वक्त हर काम वक्त पे ख़त्म नहीं किया, जब आपको बुलाया गया ईद के चौथे दिन पहुंचना है और ईद के चौथे दिन वक्त पे नहीं पहुंचे, ये बीमारी जड़ पकड़ लेगी और आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे तोड़ लेगी कि तुम्हारी अम्मी अब्बू कहेंगे कि रंग दे रक्षे अल्तप्रोते। अब जब माँ बाप इस लेवल पे अपने बच्चे को रिस्पॉन्स दे रही है तो माशरे में उस बंदे का क्या किरदार हो सकता है? ये तो वही होगा ना कि 24 साल बाद फिर कहीं जाके तुमने प्लान करना है कोई बड़ा काम करोगे, कैसे करोगे? मुमकिन ही नहीं। तो ये कोशिश करो आज से कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने मंडे के दिन ही जाना है, ख्वा इदारा तीन दिन पहले ही क्यों ना खुल जाए, ये डिले है, ये वीकनेस है। और इससे एक और चीज़ ज़ाहिर होती है जो बड़ी ख़तरनाक है, ये जो बाकी जो बच्चे नहीं आए ना जो मंडे के दिन आएंगे, इनकी एक्टिविटीज़ का तस्किया करो इसकी सोशल लाइफ में, इनकी एकेडमिक लाइफ में, यहाँ पर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। ये पीछे कतारों में बैठे होते हैं, ये किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से या दरेख करेंगे या फिर बहुत डिले करेंगे उसमें। ये किसी भी जिम्मेदारी को उठाने में दरेख करना, जान छुड़ाना, पीछे हट जाना या उसमें डिले कर जाना, ये दोनों बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। ये तुम फिजिकली ग्रो कर जाते हो लेकिन इंटेलेक्चुअली तुम बैठ जाते हो। और भाई हम जैसे लोग यहां पर भाषण दे देकर तो बड़ा गर्क हो गया ना हमारा, और YouTube बड़ा पड़ा हुआ है अच्छी अच्छी बातों में, दुनिया जहान के लोगों ने सेशंस दिए, किताबों से लाइब्रेरी भरी पड़ी अच्छी अच्छी बातों के, उठाओ पढ़ो, उससे वो इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने से बेहतर है तुम पैदा करो उसको। हम जैसे मुल्क जो डेवलपिंग हो, यहाँ पर रहने वाले लोग प्रोएक्टिव नहीं होते, रिएक्टिव होते, इल्म हासिल कर लेते हैं, पैदा नहीं कर पाते। तजुर्बा बाहर से लोग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, क्रिएशंस बाहर होगी, उधर इस्तेमाल होगी, उधर पुराना होगा, फिर आएंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, इजादात तहकीक रिसर्च बाहर के लोग करेंगे, वहाँ पर चीज़ पुरानी बाद में आएंगी, क्योंकि हम बहुत सुस्त हैं, या तो जिम्मेदारियों से भागते हैं या फिर उसमें गैर जरूरी डिले लाते हैं। और इसी रवैये ने पूरी कौमी रवैये को इस हालत में डाल दिया कि आज कौन सा डिपार्टमेंट इस मुल्क में जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, नहीं है। कन्फ्यूजन के शिकार के नहीं, उलझन में पड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तफर्रिके में, मुख्तलिफ मामलात में, ऐसी चीज़ों में कुदरत हमें चपेड़े निकाल रही है और हमें उसका अंदाजा तक क्या है, नहीं हो रहा। तो जो बच्चे ये मंडे को या फिर यकम से या फिर 10 दिन बाद या फिर ईद की छुट्टियों के बाद भी एक हफ्ता मजीद इंजॉय इससे करना है, याद रखो ये वो है कि या तो अपनी जिम्मेदारियों को टाल रहा है या फिर उसमें गैर ज़रूरी डिले ला रहा है। और जो बच्चा जैसे आप लोग ईद के चौथे दिन हाजिर हो, इसका मतलब है कि आप इस स्किल को जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस और अंग्रेज़ी, इसको जल्दी कवर करना चाहते हैं, तो आप जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। तो जिम्मेदारी उठाने वाले के सामने जितनी चैलेंजेस आते हैं ना, वो उसको फेस करके एग्जीक्यूट करता है। और जो डिले करने वाला है, सालाना स्टेटिस्टिक्स देख ले, जो जिम्मेदारी वाला है वो 10 जिम्मेदारियाँ उठाएगा, जो डिले वाला है वो 5 जिम्मेदारियाँ उठाएगा, और जो निगलेक्ट करने वाला या छुपने वाला बंदा है, जो ख़ुद को छुपाता है उससे, उसकी एक भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इन तीनों को बिठाकर इनकी इंटेलेक्चुअल सलाहियत आप उठाकर देख ले, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाएगा, उम्र एक जैसी होगी, कद काठ एक जैसा होगा, एक ही ख़ानदान से होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उन दोनों के जो तरखाता है या फिर डिले लेकर आता है। क्योंकि जब आप कोई जिम्मेदारी उठाकर उसमें कूद जाते हैं और उसमें अपना पसीना निकाल कर उसको फोकस करते हैं, तो ये जिम्मेदारी के दौरान कहीं कहीं कुछ जगहों पर तुम्हें कुदरत वो चीज़ें सिखाती है जो किसी भी किताब में नहीं होती,
किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जुबान से अदा नहीं होती, वो खुद के साथ एक अलग एहसास का नाम है जो तुम्हारे इंटेलेक्ट को डेवलप कर रहा होता है। किस चीज को डेवलप कर रहा होता है? आपकी इल्म, आपकी सलाहियत को डेवलप कर रहा होता है, आपको बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है और उसी से तुम्हारी कीमत लगती है मार्केट में। इसीलिए तो बाबे ने कहा कि रंग दियो रक्ष। अपने बेटे के बारे में कितनी अजीब सी बात कर दी, हता के बेटा है। उसकी वजह है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है, क्योंकि वो देर तक जागा रहता है और सुबह सारा दिन सोता रहता है, जिम्मेदारियों को एग्जीक्यूट नहीं करता, लिहाजा वो घर के अंदर जो इश्यूज है उनका हल नहीं देता, लिहाजा उसकी जो वैल्यू उसकी माँ बाप की नज़रों में है बड़े बेटे की ज़्यादा है और छोटे बेटे के लिए रंग दे वृक्ष। और यही रवैये हमारे माशरे में हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिल जाते, कहीं किसी इदारे से आपको निकाला जाता है, किसी स्कूल से आपको निकाला जाता है, अपॉर्चुनिटीज रास्ता ही नहीं देती, दरवाज़ा ही नहीं खोलती उस बंदे के लिए जो टरखाता है या डिले करता है। तो जिम्मेदारियाँ उठाने वाला फ़र्क होगा क्या कि ये इंटेलेक्चुअली इन दोनों के लिहाज से स्ट्रांग होगा और दौलत, पैसा, अच्छा कपड़ा, अच्छी ग़िज़ा, मर्तबा, मकाम, इन तमाम चीज़ों के पीछे लॉजिकली जो चीज़ है वो तुम्हारी इंटेलेक्ट। तुम कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हो यही तुम्हारी वज़न बनती है और उसी वज़न के मुताबिक तुम्हें रेट किया जाता है माशरे में। और उनको रेट ही नहीं किया जाता, तोलते ही नहीं है, कॉर्नर करते हैं, जो या तो जिम्मेदारियों को तरखाते हैं या फिर डिले लेकर आते हैं। तो ये जो आज नहीं आए या फिर मंडे को आएंगे, इनमें फितरी तौर पर ये बीमारी है। 5 साल तक अगर ये इस तरह मजीद रहे तो ये फिर सारी उम्र मशक्क़त करेंगे, इनको कभी 2 मिनट सुकून से सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग के 14 साल और 24 के दरमियान के 10 साल के इस पीरियड में ये छोटी छोटी रवैयों को और अपने आदात के अंदर इन तब्दीलियों को लाना ज़रूरी है। जिम्मेदारियों को उठाना और उसको वक्त से पहले एग्जीक्यूट करना और फिर अगले ज़िम्मेदारी के लिए हाजिर होना और फिर उसको उठाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर अगले के लिए सामने आना, ये जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस करती क्या है कि तुम्हें एक्सप्लोर करती है, ये तुम्हें नए नए रास्तों पर लेकर जाती है, तुम्हें नई दुनियाओं की तरफ लेकर जाती है, ये तुम्हारे आंखों के सामने पर्दों को ऐसे खोल देती है एक एक करके, ये असल में तुम्हारी विजन बना देती है। अच्छा, ये तुम्हें दूरंदेश बना देती है। ये अल्टीमेट हैप्पीनेस इसी चीज के अंदर है। आप माशरे के एक खूबसूरत किरदार बन जाते हैं। मामला कहां से शुरू होता है? जिम्मेदारी से। तो ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने एडमिशन की है और आप मंडे को आएंगे हत्ता के इदारा 2 दिन पहले खुला हुआ, ये हरगिज़ नहीं। ये बीमारी एक्सेप्ट कर चुके हैं हम माशरे के अंदर। इस बीमारी को अभी से ख़त्म करो वरना ये जड़ पकड़ लेगी और सारी उम्र ये तुम्हें भी असर करेगी नेगेटिव, आपकी आने वाले नस्लों को भी हिट करेगी और उसके बाद की नस्लों को भी, ये फिर प्रिवेल करती है और फिर नस्लें तबाह कर देती। तो ये रवैये बिल्कुल ना करें, ना शुक्र ना बने, ये ना शुक्र ना बने। ये अभी ये पंखा तुम्हें हवा दे रही है ना, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम से कम बिजली अवेलेबल है, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने काना का क्या है सारे, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि जिसने काना नहीं गाया, इस पर अल्लाह का शुक्र करें कि जो कुछ तुम्हारे पास इस वक्त है, जो कपड़ा है, जो घड़ी है, जो शूज़ है, जो कुछ है, ये जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दी इस पर शुक्र करें और इसकी जो तुम्हारे डोमेन में है इसकी ज़िम्मेदारी उठाएं। जो चीज़ तुम्हारे डोमेन में इसकी ज़िम्मेदारी उठाएं, इसकी प्रोटेक्शन करें और इसको अलाइन करें। अब सवाल ये है कि बीमारी कैसे निकलेगी, इसके लिए तरतीब लाए ज़िंदगी में। तरतीब बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्पर्स हैं, तरतीब नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जेबों को हाथ लगाओ तो दोनों जेबों में पता नहीं ससर इतान सरा रहा अंकड़ी दी नील गटरम दसरे जब की दे हो मसवाक दिन जब की अचोले दे हो तस्वीर दी मचूली दी दा खुशी दुने दी
خود دری شیدونه دی نورم چولی او کله د بالخ لاندې در نه پاتې کله د فریج د بره در نه پاتې جورابادی په یو ځای کې پرته ای بیگ د نبل ځای کې ورکی رجسٹر دی کور ته وړه بیډ د لاندې پروت او ماشوم راغله هغه پی لیکل کړي پیج دی تشلولی ایکټیویټی شیټ کا پړا وو کا پړا ڈسپرس ہو یہ شکل سے ظاہر وہ شکل سے دیکھتا ہے کتنا تکا ہوا ہے یہ تکاوٹ ہے ترتیب لاؤ ترتیب اپنے آپ سے شروع کرو حکم مشکل کام نہیں شکر گزار ہوگا نا پٹے پرانے کپڑے ہوں گے لیکن وہ اس میں سوچ میں نہیں ہوگا میرے کپڑے ٹھیک نہیں وہ جو ہوگا شکر کرے گا تو الٹیمیٹ ہیپنس ملے گی انہیں نہیں سمجھے میری بات یہ میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا کہ پرانے زمانے کے لوگ ختم ہو گئے ہماری دادی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہماری تربیت ہماری دادی نے کی تھی ماں باپ بچپن میں فوت ہوئے وہ نا اس کا ایک رویہ جو بہت اچھا لگتا تھا ہم جب درسخان پہ بیٹھتے تھے وہ ایک بات کرتی تھی کہ جب کانا کھا لیتی تھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی وہ ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے رزق دیا تو میں چھوٹا تھا میں سوال کرتا تھا کہ دادی یہ شکر کانا کھانے اس سے پہلے کیوں ادا نہیں کرتے کہ جب تم نے کھا لیا تو آپ شکر ادا کر رہے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں ہمارے اب بڑے ہائبرڈ سا سچویشن شروع ہو گیا ہے یہ ویلیوز گھر سے سکھائی جاتی تھی کبھی اچھا کھانا ہوتا تھا تو بھی شکر کبھی اچھا نہیں ہوتا تھا تو بھی شکر تو دادی اماں کہتی تھی بچے شکر کھانے کے بعد اس لیے ادا کرتی ہوں کہ کبھی اللہ اچھا کھانا دے دیتا ہے تو بھی شکر اور اگر اچھا نہ ہو تو اس وقت بھی شکر تاکہ انسان ذہنی طور پر کسی الجھن کا شکار نہ ہو جائے وہ صبح اذانوں کے بعد جب نماز پڑھتی تھی تو دروازے کی چٹکنی کھول دیتی تھی میں سوال کرتا تھا کہ اس وقت بھی تاریکی ہے چور تو اس وقت بھی آ سکتا ہے رات کو تالا لگائے اور صبح اذانوں کے بعد آپ نے دروازہ کھولا کہ اس وقت رب جو ہے وہ رزق بانٹتا ہے تو سب کو اٹھاتی تھی نماز صبح کے اذان کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھر میں کوئی سو جائے کیونکہ دروازہ کھل جاتا تھا اور اس کے بعد اٹ مینس کہ ایوری بڈی ہیز ٹو ویک اپ اینڈ اسٹارٹ دیئر ایکٹیویٹیز ایکٹیو آورز شروع ہو جاتے یہ گھر سے سکھاتی تھی یہ ویلیوز اس کو دبا دیا ہم نے ان ویلیوز وہ چھوٹی وہ ویلیوز ہی ختم کر دی اور بھائی وہ دادی اماں ہی نہیں رہی وہ رہی نہیں ابھی اور وہ گھر کی ویلیوز توڑ دی ہم نے اور بچوں کو تعلیمی اداروں کے سپرد کر دیا اور وہاں پر جو چیز ان کو پڑھائی گئی اس کے بعد سستی نے آنا ہے نا شکری نے تو آنا ہی ہے نا شکری نے تو پھر آنا ہے خواہشات نے تو پھر بننا ہے غیر ضروری الجھن کا شکار تو ہونا ہے سیلفش تو پھر ہونا ہے ظالم تو پھر بننا ہے جب معاشرے پہ آپ چھوڑو تو بچوں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آج کے میرے سیشن میں خاص الخاص بات یہ ہے کہ خود کو اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ معاشرہ تمہیں ریٹ کرے اور ایک اچھے مقام پر تمہیں پہنچائے قدرت تمہیں عزت بھی دے شہرت بھی دے دولت بھی دے عزت مال ہر وہ چیز دے جس کی تم خواہش کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ ہر کام کو وقت پر نمٹاؤ اور زیادہ ذمہ داریوں کا سامنا زیادہ چیلنجز کا سامنا کرو گے تو علم پیدا کرو گے ورنہ تو علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے وسیلے ہیں علم پیدا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ 1000 ٹائم بیٹر دین دا ون ہو جو علم حاصل کرتا ہے علم پیدا کرنے والے کی سب سے خوبصورت بات میں بتاؤں وہ فی البدی ہوتا ہے اچھا وہ فی البدی ہوتا ہے اس کو کسی بھی وقت ڈائس میں بلاؤ اتنی باتیں کر جائے گا تمہاری رونگٹے کھڑے کر دیں علم پیدا کرنے والا ہر وقت کیپیبل ہے پرابلم سالونگ کے لیے کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ساتویں جماعت میں میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 3 میں ہم نے جو پڑھا تھا آج تم سب بھول گئے ہو لیکن پریکٹیکلی جو چیزیں آپ سیکھتے ہو آپ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے ہتھیار کی صورت میں تو علم پیدا کرنے والا زیادہ بولڈ ہوتا ہے زیادہ کمپٹنٹ ہوتا ہے زیادہ پارٹیسپیٹو ہوتا ہے وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے وہ دوراندیشی پرابلم کو بڑی ڈیپ سے دیکھتا ہے اور جب رسپونڈ کرتا ہے تو وہ ان کی جو رسپانس ہوتی ہے وہ امپیکٹ ڈالتا ہے وہ ہیت تبدیل کرتا ہے معاشرے کی وہ اپنے دوست کی زندگی پر اثر انداز رہتا ہے اپنی فیملی کی زندگی پر اثر انداز رہتا ہے یا جس ادارے میں پڑھتا ہے وہاں پر اثر انداز رہتا ہے اور اس کا امپیکٹ پازیٹیو رہتا ہے اور یہ پازیٹیو امپیکٹ قدرت کو پسند ہے اللہ کو یہ پسند ہے
अल्लाह ने जो चीजें बनाई इंक्लूडिंग अस, उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन दी है कि अगर तुम मुस्बत असरअंदाज करोगे अपने इर्द गिर्द के माशरे को, फिर मैं तुम्हें उरूज दूंगा। क्या दूंगा? अगर मुस्बत असरअंदाज करो, हर चीज मुस्बत असरअंदाज कर रही, तो हम मुस्बत असरअंदाज नहीं कर रहे। वो जो बाबे ने कहा कि ददी रंग रक्षी, वो अपने बेटे के बारे में बड़ी नेगेटिव उनके रिमार्क्स, वो अपने घर को नेगेटिव असरअंदाज कर रहा था, वो बच्चों को नेगेटिव असरअंदाज कर रहा था, वो अपने पेरेंट्स को नेगेटिव असरअंदाज कर रहा था, वो दूसरे की इज्जत थी। और मेरे जहन में उस वक्त आया कि बड़े के पास गाड़ी भी होगी, प्लाट भी होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्वर ना हो और बड़े मरतबे पर ना हो, कोई अपनी बेटी उसको क्या कर नहीं देता। नहीं समझे मेरी बात? तो आप लोग सोच तो रहे होंगे कि ये बनाने वो बनाने, ख्वाब में रहो बेटे, रहो देखते रहो ख्वाब। शेख चिल्ली भी बहुत ख्वाब देखते रहो। तो मेरे आज के सेशन का बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँ कि हमने ये रवैया तब्दील करना है। अगर यहाँ के ये हालात हैं इस इदारे के, तो बाकी के इदारों की पता नहीं क्या पोजिशन होगी, लेकिन ये रवैये तब्दील करें। हम अमीर लोग नहीं हैं, हमने कोई आसमान से तारे नहीं लाए, कोई बड़ी क्रिएशन और डेवलपमेंट नहीं की हमने, हम हालत जंग में हैं। और ऐसे हालत में ऐसे ममालिक के नौजवान अगर इस लेवल की तन आसान हो, सुस्त हो, लापरवाह हो, नाशुक्रे हो, और उनको पता ही ना हो कि मंजिल कहाँ है, अभी इसने क्या करना है, फिर ये अफसोस न करो, ये गिला न करो कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। फिर आपकी हालत बिल्कुल ठीक है, छाटो काटो जो बोया था और जो आपने मचाया। तो ख़ुद को तब्दील करो, और इन छोटे छोटे रवैयों का क्या करो, इसको डेवलप करो, इंटेलेक्चुअली ख़ुद को ग्रो करो, ज़िम्मेदारियों को उठाओ, हर काम को वक़्त पे ख़त्म करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।